एक वादा आप सबसे हम चाहते हैं। कहते हैं लोग कि हिंदी मीडियम वालों का रिजल्ट नहीं होता है, आप सबसे हम एक वादा चाहते हैं कि आप ये सिद्ध करके दिखाएंगे कि नहीं, हिंदी मीडियम वाले लड़के भी रिजल्ट देते हैं। बस हम आपसे यही एक वादा चाहते हैं, हम अपना 100% इफोर्ट करेंगे आपको फीस उस स्तर पर लाएं। देखिए, फीस गिरा देना बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, फीस कम करना बहुत बड़ा चीज नहीं, लेकिन क्वालिटी मेंटेन करना सबसे बड़ा चीज होता है। इतने हाई क्वालिटी आपको देना उतने फी में, ये बहुत मुश्किल होता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन हम आपसे एक वादा चाहते हैं, वादा करने से पहले एक बार अपनी आंखें बंद करके माँ बाप की आंखों को देखिएगा। क्यों? बूढ़े माँ बाप इंतजार करते होंगे, समाज के ताने सुन सुन के थक गए होंगे, उन सब का आपको एक बार देखिए। किसी से बदला लेने के लिए लड़ना नहीं है, उससे ज्यादा कामयाब होना है, और कामयाब होने के बाद अहंकार नहीं दिखाना है, उसको प्यार से समझाना है कि जब मेरा वक्त खराब था तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमने तुम्हें माफ किया। माफ करना बहुत बड़ा चीज हो जाता है, समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन कुछ लोगों को नहीं माफ करना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को कर भी सकते हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? वादा आप लोग को अपने आप से करना है। एक लड़ाई आज से चालू होगी अपने आप से, एक लड़ाई अपने आप से, जब खुद को बदलने के लिए। दुनिया से आपने बहुत कुछ लड़ा होगा, एक आईना सामने रखिएगा और सौगंध लीजिएगा कि एक लड़ाई आज अपने आप से, हर वो चीज को त्याग देंगे जो आपके सफलता के बीच में बाधा आएगी। हम आखिरी समय तक आपका साथ देंगे, ये हम वादा करते हैं। आप सब लोग को प्रॉमिस करना होगा, और अपने आप से, ये लड़ाई अपने आप से है आपकी, खुद से लड़ाई खुद को बदलने की। जब इंसान अपने से लड़ता है ना, सबसे खतरनाक वो युद्ध होता है। सबको एकदम पूरे जुनून के साथ यहाँ पर, और इसमें हमारा भी, देखिए आप लोग सफल होंगे देश बदलेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? देश का बच्चा और यूपीएससी की तैयारी जिसने भी दिल लगा के किया वो कभी असफल नहीं हो सकता है। और आप लोग के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है ना, कि अगर यूपीएससी में लिमिटेड सीट रहती है, ये हकीकत है कि सबका रिजल्ट नहीं हो सकता, लेकिन जो दिल से तैयारी किया उसके लिए पीसीएस के रास्ते इतने आसान हो जाते हैं ना कि उसको टेंशन नहीं होता है, क्योंकि कांटे पे चलना जिसको आ गया, फूल पे चलने के लिए उसे सीखना नहीं पड़ता है। जो यूपीएससी तो बेस्ट है, पीसीएस भी बहुत अच्छी नौकरी है, दोनों अधिकारी रैंक पे हैं, सचिवालय, ये तीन रैंक अगर आप यूपीएससी के लिए किए हैं तो आपका मेंटल लेवल इतना आगे चला जाता है। सबसे जो अंदर की बात जो एकदम जरूरी है वो आपको बताते हैं, अगर आप पीसीएस यूपीएससी की तैयारी की है, अच्छे से की है, किसी कारणवश अगर आपका पीसीएस में होता है तो पीसीएस में सिलेक्शन होगा, लेकिन ज्यादा देर आप रुकिएगा नहीं, वहां अपनी योग्यता के दम पर आप तुरंत आईएएस के लेवल पे प्रमोट हो जाएगी। ऐसा होता है, पीसीएस वालों को भी आईएएस लेवल पे प्रमोशन मिलता है, अच्छे खासों को मिलता है। इसलिए पहली बार दिमाग में बैठा कर रखना है कि लेंगे तो अधिकारी बन के ही लौटेंगे, और इसलिए नहीं कि किसी से बदला लेना है, बल्कि इसलिए कि बदलाव लाना है। ये लड़ाई बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि बदलाव लाने के लिए होनी चाहिए, और यह लड़ाई बहुत बड़े लेवल पे है, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों का रिजल्ट बहुत खराब होते गया। अब आपको अपने आप से भी लड़ना है, और उस पीछे के ट्रैक रिकॉर्ड से भी लड़ना है जिसमें कहा जाता था हिंदी मीडियम के लड़के नहीं, ऐसा थोड़ी है कि हिंदी मीडियम के लड़के मेहनत नहीं करते, जी जान लगा के मेहनत करते हैं। तब तक ये आग जलती रहनी चाहिए जब तक देश से अंधकार न खत्म हो जाए। आपके अंदर का ये जो आग है ना, इसे बचा के रखिएगा, तब तक के लिए ये धधकता रहना चाहिए जब तक देश में अंधेरा है। बहुत हो गया अब।